हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा तीसरी का हिंदी पाठमाला का पाठ एक कविता उठो लाल वो मैं फिर से कराने जा रही हूँ। ये इसका अभ्यास कार्य दो है। इसके पहले वाले दो लेसन में कविता और अभ्यास कार्य एक हो चुका है। ये फिर से एक बार इस कविता का एक बार फिर से रिकैप है इसका। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले। इसमें माँ अपने बेटे को उठाते हुए बोल रही है कि आप उठो आंखें धो लो, सुबह हो गई है, हमें जल्दी उठना चाहिए, फूल खिल गए हैं उनके ऊपर भंवरे झूल रहे हैं। और इसके बाद उसका इसका सेकंड पार्ट है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नगमे प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। जब सुबह हो जाती है सभी पक्षी के चहकने की आवाज सब जगह गूंजने लगती है, ठंडी ठंडी सुंदर हवा बहने लगती है, आसमान में सूरज निकलने की ये लालिमा छा जाती है जिसके कारण धरती सुंदर लगने लग जाती है। इसका अगला पार्ट है, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, जल में उसकी सुनहरी छाया पड़ने लगी है, आप सुबह का इतना सुंदर समय, जबकि धरती में हर चीज सुंदर लगती है, उसको आप सोकर मत गवाओ मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ जाओ अब मत सो। ये पूरा रिकैप था। और ये कविता लिखी गई है कवि प्रकाश मनु द्वारा, और इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अभ्यास कार्य दो में। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। राइमिंग वर्ड्स हैं खोलो खोलो यानी उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, यानी खोलो का राइमिंग शब्द होगा, समान तुक वाला शब्द होगा धो लो। बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, कमल दल फूल गए हैं यानी खिल गए हैं और उनके ऊपर वो भंवरे झूलों की तरह झूल रहे हैं जैसे बच्चे पार्क में झूलते हैं, यानी फूले का समान तुक वाला शब्द है झूले। छाई, नभमे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। छाई मतलब पूरा उसको कवर कर लेना और पाई का मतलब पाना, यानी छाई का समान तुक वाला होगा शब्द पाई। खोलो का धोलो समान तुक, फूले का झूले और छाई का पाई समान तुक वाले शब्द हैं। इसके आगे है आया, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, आया का समान तुक वाला शब्द है छाया, ये सूरज की छाया जल में पड़ रही है। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो, खो मतलब कोई चीज हाथ से निकल जाना और इसका समान तुक वाला होगा सोना, कि मेरे प्यारे बेटे अब मत सो, खो का सो। न्यारी, न्यारी है और इसका है नभ में न्यारी, न्यारी मतलब बिल्कुल अलग, सबसे अलग। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने, ये धरती है, धरती ने प्यारी छवि पाई, यानी न्यारी का राइमिंग वर्ड है, समान तुक वाला शब्द है प्यारी। आया का छाया, खो का सो और न्यारी का प्यारी। आया का क्योंकि ये कविता से चुने गई है इसलिए हमको यही लिखनी है। अगर ये कविता से चुनने को ना कहा जाए तो आया का साया, खाया, माया ये भी बन सकता है, न्यारी का प्यारी, कयारी ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए, यानी एक के अनेक करिए, सिंगुलर को प्लूरल करिए, एक को अनेक, ये है एक है तो एक वचन, अगर एक से ज्यादा है तो वो है बहुवचन।
यानी प्लूरल ज्यादा। ये है एक भौरा और ये है फूलों के ऊपर अनेक भौरे, भौरा भौरे। ये है एक आंख एक वचन, ये अनेक आंखें बहुवचन। ये एक झूला एक वचन, ये अनेक झूले बहुवचन। तो ये हुआ एक वचन भौरा, उसका बहुवचन बना भौरे, एक वचन आंख बहुवचन आंखें, एक वचन झूला बहुवचन झूले। भौरा भौरे, आंख आंखें, झूला झूले। ये एक वचन है, ये एक ही हिंदी की कविता इसके ऊपर लिखी हुई है इस पेज पर। तो एक कविता है एक वचन, ये दो कविताएं हैं, एक से ज्यादा है बहुवचन कविताएं। ए लगाया है ए पर चांद बिंदी, कविताएं। एक चिड़िया एक वचन, चिड़ियां इसमें या लगाकर उसके ऊपर चांद बिंदी है तो ये अनेक चिड़ियां। ये हवा थोड़ी ये हवा है और इसको बहुवचन करेंगे तो हवाएं, ठंडी हवा बह रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये बनेंगे समान इसके एक वचन बहुवचन, कविता कविताएं, चिड़िया चिड़ियां, हवा हवाएं। थैंक यू।